हाँ भाई लाइव आ गए हैं हेलो जयनंदन हाँ हम्म ओके सो लेट्स स्टार्ट Okay, तो आज दोस्तों हेलो गुड आफ्टरनून सिद्धांत नमस्ते समीरा हेलो आसिफ हेलो रिजिम हेलो ओम सिंसियर स्टूडेंट तो नहीं है दोस्त हेलो आर्यन हेलो शशांक हेलो गिरेन्द्र आई एम अलाइव हेलो शशांक गुड आफ्टरनून डियर गुड आफ्टरनून हेलो आशुतोष तबीयत तो ठीक ठाक है हेलो रक्तिम हाँ भाई शेयर कर दो जल्दी से शेयर कर दो गुड आफ्टरनून आर्यन मैम विल टेक क्लासेस एक्चुअली हम दोनों की ही एक साथ ही थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी हेलो गेम ऑन हेलो राज हेलो सुब्रजीत गुड आफ्टरनून डियर हेलो रिशु गुड आफ्टरनून आशुतोष थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था ऐसा ओके चलो आ जाओ भाई देखो अपन आज एस ब्लॉक निपटाएंगे ठीक है चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट काढ़ा पिया ना दोस्त सुबह के उठ के सुबह उठते काढ़ा पिया देखो आप चालू करते हैं ओके okay, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द द पीरियोडिक टेबल आर इन लास्ट इलेक्ट्रॉन दिन पढ़ते हैं और आगे बढ़ना है ठीक है ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसमें जो ग्रुप वन है उसको कहते हैं एल्कलाई मेटल जो ग्रुप टू है उसको कहते हैं एल्कलाय अर्थ मेटल ठीक है दे आर सो कोल्ड बिकॉज दे आर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एल्कलाइन इन नेचर एंड दीज मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट राइट जनरल चीजें हैं आगे आगे बढ़ जाते हैं ना ओके अमंग सोडियम एंड पोटेशियम आर अब लिथियम रूबीडियम सीजियम है फ्रांसियम इज हाईली रेडियो एक्टिव ठीक है कैल्शियम एंड मैग्नीजियम जो है एल्कलाई अर्थ में अबंडेंस में पांच और छठा नंबर है ट्रोनियम बेरियम है लोअर अबंडेंस। बेरिलियम इज रेयर बेरिलियम इज रेयर लेकिन जो बेरिलियम है हुँ? जो बेरिलियम यूज फॉर जेम्स वेब टेलीस्कोप तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसको बनाने के लिए बेरिलियम वाज़ यूज्ड ये लोड होता है जिधर अपन आगे बढ़ते हैं विल कम बैक एंड सी ओके फाइन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है एन एस वन एल्कलाई मेटल की और एन एस टू एल्कलाइन अर्थ की जनरल है जनरल चीजें हैं अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा कि एग्जाम में पूछ लिया जाए जनरल बातें ओके लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एंड टू रेस्पेक्टिवली एग्जिबिट हाँ यहाँ पे कुछ बातें हैं लेकिन इनके रीजन आगे आएंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो बाकी फैमिली मेंबर से अलग होती हैं और वो जो एनोमलिस प्रॉपर्टी है इनकी वो रिजेंबल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप तो लिथियम जैसी बिहेवियर करता है वैसा मैग्नीजियम करता है ओके लेट्स डू दिस विद पर्पल और बेरिलियम जैसा करता है वैसा एल्यूमिनियम करता है ठीक है ये पहली चीज मिली है जो अपने काम की जो अपने को याद रखनी क्योंकि दिस वो, दिस विल आंसर फ्यू क्वेश्चंस और इस चीज को मैं कहता हूं डायग्नल रिलेशनशिप तो पीरियोडिक टेबल के अंदर लिथियम और मैग्नीशियम बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है ये एक रिलेशनशिप दिखाते हैं और यू स्लांट है इसलिए कहते हैं डायग्नल रिलेशनशिप कहते हैं इसको ठीक है कारण क्या है डायग्नल रिलेशनशिप का ये भी मेरे को याद रखना है इनका आयोनिक साइज और चार्ज अपॉन साइज रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट सेम है डायगनल रिलेशनशिप का कारण क्या है लिथियम और मैग्नीशियम जो है इनका जो साइज है चार्ज अपॉन साइज रेशियो जो है या फिर जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है वैसे ही बेरिलियम और एल्युमिनियम का सेम है ठीक है बाकी जनरल बातें आगे बढ़ जाएं। लेट्स कम टू एल्कलाई मेटल्स इनकी कॉन्फ़िगरेशन एन एस वन ठीक है आई नो दैट नथिंग नथिंग मच हेयर कन्फिग्रेशन तो एग्जाम में आने के चांसेस कम है ठीक है देखो टू एस वन टू एस वन थ्री एस वन फोर एस वन फाइव एस वन ठीक है सिक्स एस वन सेवन एस वन लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में जाएगा तो एन एस वन हो गई ठीक है एक अकेला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो एक सिंगल पॉजिटिव ये मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे ये भी जनरल बातें हैं ठीक है सब जनरल है अभी अभी कुछ मजा मसाला नहीं आया है अभी जनरल चल रहा है मसाला आएगा थोड़ी देर में देखना ठीक है कटाइन बनाते हैं तो कटाइन का साइज पेरेंट आइटम से छोटा होता है बेसिक चीज है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज इन साइज होता है लिथियम वो तो भाई डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज वैसे ही बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं ना, ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साइज बढ़ता है अभी तक कुछ भी मसाला नहीं मिला मजा नहीं आ रहा है बात का आगे देखें देखे आयोनाइन जो है वो काफी कम होती है क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुश होना है अभी भी कुछ नया नहीं मिला ठीक है नथिंग न्यू हेयर अब अब आप आ जाइए क्योंकि यहां से चालू होता है जहां पे जेई सवाल बना सकेगा

एक्वस बनाऊंगा ना आयनिक फॉर्म में एक्वस साइंस बनाऊंगा तो लिथियम जो है वो जब एक्वस आयन बनेगा तो वो जो एनर्जी छोड़ेगा वो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो एनर्जी सीजियम छोड़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब ये है कि जब ये आयन एक्वस में जाएंगे एक्वस फॉर्म में जाएंगे ना जब लिथियम प्लस ए लिखेंगे अपन तो ये जो एनर्जी छोड़ेगा वो एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीजियम इसका मतलब इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास लिथियम और सीजियम है तो हमें को उन दोनों का एक्वा सोल्यूशन बनाना है लिथियम जो है वो अपना एक्वा सोल्यूशन बनाने में खुशी दिखाएगा क्यों क्योंकि तो जो भी प्रोसेस नेचर में एनर्जी छोड़ता है वो प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल हो जाता है तो लिथियम का एक्वा सोल्यूशन बनना नेचर में ज्यादा फेवरेबल रहेगा एज कंपेयर टू सीजियम रीजन बींग हाइड्रेशन एनर्जी ठीक है देखना एक बहुत काम आएगा ये काम काम कहां आएगा ये काम आएगा जब अपन देखेंगे इनकी सोल्यूबिलिटी जब अपन सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे ना तो काम आएगा ये देखना ठीक है अपन आएंगे वापस तो विल कम बैक टू दिस पॉइंट ऑफ हाइड्रेशन एनथल लेकिन अब ये याद करने की चीज है तो दिस विल आई विल से दिस इज पॉइंट वन टू बी रिमेंबर्ड पहला पॉइंट है जो याद रखना है ओके आगे बढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मेन चीज है वो है ओके लार्ज साइज है एलिमेंट्स है लो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम हाँ ये आ गया देखो तो अब मैं इसको तो हटा देता हूं और इसको कर देता हूं पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम ये एक्सेप्शन है कि पोटेशियम जो है वो सोडियम से थोड़ा हल्का होता है पहली चीज ठीक है ओके दे इंपार्ट कलर टू दी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अब ये काम की चीज है अब जो कलर इंपार्ट करते हैं ये जेई का सवाल है यस दिस इज अ प्रोबेबल जेई क्वेश्चन ठीक है तो लीथियम जो है लीथियम जो है वो रेड है सोडियम जो है वो येलो है येलो है पोटेशियम जो है वो तो वॉयलेट और ब्लू में कैसे अंतर करें यार हाँ वॉयलेट और ब्लू में कैसे अंतर करें ठीक है तो पोटेशियम जो है वो वॉयलेट है रूबीडियम जो है वो रेड वॉयलेट है और सीजियम जो है वो ब्लू है ठीक तो है तो लिथियम रेड है पोटेशियम सोडियम येलो है पोटेशियम है रेड है सीजियम ब्लू है नाउ दिस आई विल कॉल पॉइंट नंबर टू बी रिमेंबर्ड पहला हाइड्रेशन एंडी का ऑर्डर ठीक है कि लिथियम की ज्यादा है और डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है ठीक है उसका फायदा क्या होगा सोलिबिलिटी में चेक करेंगे अपन जब आगे देखेंगे ठीक है दूसरा अगर मेरे को केमिकल दिया हुआ है कोई एलिमेंटल फॉर्म में दिया हुआ है इनमें से कोई भी मेटल अगर मैं उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालूंगा तो अगर क्रिमसन रेड कलर मिल रहा है तो वो लिथियम है येलो है तो सोडियम है वॉयलेट है तो पोटेशियम है रेड वॉयलेट है रूबीडियम है ब्लू है तो सीजियम है ये काम की चीज है ठीक है अब ये काम कहाँ आती है ये काम आती है फ्लेम टेस्ट में ये काम आती है फ्लेम टेस्ट में फ्लेम टेस्ट में यानी जब मुझे ये पता करना हो डिटेक्शन करना हो कि कौन सा मेरे पास मेटल है तो ये काम आती है अपने पास जब मैं इनका कलर देखता हूं फ्लेम टेस्ट में ठीक है तो दो पॉइंट अभी तक देखे अपन ने याद करने के पहला क्या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किसकी लिथियम की कम किसकी सीजियम की डाउन द दा ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है यानी जब आयन जो है एक्व फॉर्म में जाएगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो डिक्रीज होती जा रही पहला है पहला पॉइंट दूसरा लिथियम जो है वो क्रिमसन रेड है सोडियम येलो है पोटेशियम वॉयलेट है फिर बीडियम रेड वॉयलेट है और जो सीजियम है वो ब्लू है अब यहां आ जाओ यहां पे एक्सेप्शन ढूंढने अपने को। एक्सेप्शन यानी जनरल ट्रेंड से कोई चीज़ अगर हट रही है अलग हो रही है तो वो क्या चीज है वो अपने को ढूंढनी है और याद रख लेनी है ठीक है तो लेट्स डू वन थिंग है ना यहां पे शेप में एरो लेते हैं ओके okay? और रेड कलर लेते हैं ठीक है राइट अब देखें तो ऊपर का तो ठीक है आयोनाइ एन एनर्जी पांच सौ बीस चार सौ छियानवे उन्नीस तीन कम होती जा रही है परफेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं हाइड्रेशन सबसे ज्यादा माइनस पांच सौ छह कम होती जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं मेटेलिक रेडियस बढ़ता जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आयनिक रेडियस बढ़ता जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं मेल्टिंग पॉइंट चार सौ तीन सौ इकहत्तर छत्तीस बारह कम हो रहा है बॉइलिंग प्वाइंट सोलह ग्यारह दस नौ नौ कम हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं डेंसिटी डेंसिटी मैंने देखा था पोटेशियम की लाइफ में प्रॉब्लम है डेंसिटी में पोटेशियम की लाइफ में प्रॉब्लम है डेंसिटी में ठीक है ये पोटेशियम ही है देखो यस दिस इज पोटेशियम ये याद रखेंगे तो दिस वी विल रिमेंबर कि जब मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो पोटेशियम बीच में कम हो गया ठीक है तो ऑर्डर जो हो गया वो मेरा हो गया लिथियम पोटेशियम सोडियम फिर रूबीडियम सीजियम ठीक है स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो यहां पे ये देखो एक और दिख रहा है मेरे को है ना आई कैन सी वन मोर थिंग एक और चीज दिख रही है मेरे को यहां पे ठीक है एक तो ये दिखा और दूसरा ये माइनस थ्री पॉइंट जीरो फोर 2.925, ये तो ऑलमोस्ट आजू बाजू है ये 2.7 ये अचानक कम हो गया दिस कैन बी प्रोबेबल क्वेश्चन तो अब मेरे को कोई बोले इज द थिंग थिंग थर्ड दैट वर्ड टू रिमेंबर सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर अभी तक ये तीन चीजें हैं जो अपने को याद करने की मिली हाइड्रेशन एंड थेल्पी कलर वाली बात कि फ्लेम को कौन सा कलर दे रहे हैं एंड जब मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो सोडियम जो है वो अचानक से कम हो गया एज कंपेयर टू पोटेशियम इट टू डिक्रीज लेकिन यहां पे ये डिप है और फिर ये फिर ज्यादा है उससे ये एक्सेप्शन है जो मैंने गोले बनाए हैं ये मेरे को याद रखने have to remember this thing, right? है ना डेंसिटी okay. के ऊपर इलेवंथ में क्वेश्चन आया था अरे अभी अपन देखेंगे जेई में सवाल आया हुआ मिलेगा अपने को जेई में सवाल आया हुआ मिलेगा है ना ओके okay. अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की अगेन वी विल फाइंड सो मच सो मच स्टफ एयर जो कि यही पूछ सकता है देखना और फिर अपन क्वेश्चन पे जाएंगे और देखना यू विल रियलाइज कि यार सही में पूछा हुआ है ओके okay. तो पहली चीज है जो रिएक्टिविटी एयर है ये फ्लेम टेस्ट की बात कर रहा हूं मैम और मैम यहाँ पे कोई इशारा कर रही है नेल पेंट से याद करा दो बच्चों को कल मैं नेल पेंट लगा के आऊंगा ऐसे तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा बताओ कौन सी उंगली किसको रिप्रेजेंट कर रही है ओ तो रिदिम कुछ बोल रहा है मैं बोली रिदिम कुछ बोल रहा है ओके ये कलर याद करने के लिए मम्मी ने नेल पेंट के बारे में पूछ लो अच्छा ओके तो कलर अपने पास थे क्रिम्सन रेड येलो वॉयलेट रेड वॉयलेट एंड ब्लू है ना लीना की रब से फरियाद वाला ठीक है राइट ओके ड्राई एयर so, में रखता हूं तो उनकी ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है ठीक है और अगर वो पानी से रियक्ट कर जाए तो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं ठीक है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा जाए तो दे बर्न विग्रसली चाय आएगी चाय राइट दे बर्न विग्रसली ठीक है अब ये याद रखनी है मेरे को क्या Lithium जब रिएक्ट करता है तो एल आई टू ओ बनाता है ठीक है सोडियम जब करेगा तो एन ए टू ओ टू बनाएगा परोक्साइड ये तो सिंपल ऑक्साइड है ये परोक्साइड है और पोटेशियम रुबीडियम सीजियम जो है वो बनाएंगे सुपर ऑक्साइड याद करने की चीज है तो इसको मैं कह देता हूं दिस इज पॉइंट नंबर फोर दैट यू हैव टू रिमेंबर ये पॉइंट नंबर फोर है क्या लिथियम बनाएगा सिंपल ऑक्साइड लिथियम बनाएगा सिंपल ऑक्साइड सोडियम बनाएगा पर ऑक्साइड पोटेशियम रुबीडियम सीजियम जो है वो बनाएंगे सुपरऑक्साइड राइट right? वो बनाएंगे सुपरऑक्साइड ग्रेविटी आएगी बिल्कुल ओके। इन ऑल दीज ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाई मेटल इज प्लस वन ओके लिथियम का एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है ये जे ही पूछ चुका है इसको पर्पल से करेंगे अपन कि जो लिथियम है जब मैं उसको हवा में जलाऊंगा एयर में जब मैं जलाऊंगा उसको तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड भी बना देगा दैट इज वाई ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते ना एल्कलाई मेटल इसी का कारण है कि इनको नॉर्मली कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है ठीक है अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है नाउ रियली गुड वन दिस क्वेश्चन इज रियली गुड वन ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि के जो है इसमें जो पोटेशियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ठीक है यहां पे जो O2 है वो O2 माइनस है क्योंकि वो क्या है वो है सुपर ऑक्साइड तो के क्या होगा के प्लस होगा तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पोटेशियम की वो प्लस वन है यहां पे यहाँ पे इसको ऐसे सोल्व नहीं करना यार ऑक्सीजन जो होता है जो ऑक्सीजन होता है वो होता है माइनस टू यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो माइनस टू इंटू टू प्लस एक्स इज जीरो ऐसे करना है नहीं ऐसे नहीं करना है यहाँ पे जो ओ टू है वो ओ टू माइनस है वो सुपर ऑक्साइड है ओ टू माइनस है वो सुपर ऑक्साइड है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एडजस्ट कर लिया है ठीक है पोटेशियम की यहाँ पे भी अभी भी प्लस वन है दिस इज गुड ये अच्छा कॉन्सेप्ट है अब आगे करते हैं रिएक्टिविटी टू वाटर वॉटर तो एल्कलाई मेटल्स हाइड्रोक्साइड सिंपल एल टू एच एन एच के ओ एच हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ठीक है अब यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज आएगी इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इट्स रिएक्शन विद वाटर इज लेस विग्रस देन डैट ऑफ सोडियम जो लिथियम है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो सबसे ज्यादा है सबसे ऊपर आता है लिथियम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है उसका जो लिथियम है है ना मोस्ट नेगेटिव यानी अगर कंपेयर करा जाए तो माइनस है मोस्ट नेगेटिव सबसे नीचे है ना सबसे ज्यादा है तो सबसे नीचे आएगा अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल बनाऊं तो मोस्ट नेगेटिव यानी सबसे नीचे आएगा तो सबसे ऊपर होगा फ्लोरीन है ना सबसे नीचे होगा लिथियम ठीक है तो लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो सबसे नेगेटिव है फिर भी उसका जो रिएक्शन है वो लेस विग्रस है क्यों क्योंकि अब याद रखना है क्यों है ऐसा ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी कैसा आएगा क्वेश्चन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज मोस्ट नेगेटिव स्टिल द रिएक्शन विद इज लेस विद्रेस एज कंपेयर टू सोडियम ये स्टेटमेंट वन हुई स्टेटमेंट टू बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी तो अगर पहला फैक्ट याद नहीं है तो दूसरा क्या याद करोगे तो क्वेश्चन तो जाएगा स्टेटमेंट वन ट्रू है कि नहीं कैसे पता चलेगा जब ये फैक्ट मुझे याद है कि हाँ भाई लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मोस्ट नेगेटिव है वो सब ज्यादा नेगेटिव है लेकिन और उसका रिएक्शन जो है वो सोडियम के कंपैरिजन में पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो लेस विग्रस भी है ये बात भी सच है दोनों बातें सच है उसका कारण क्या है साइज छोटी है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है ये उसका कारण है ठीक है दिस इज राइट ओके डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन तो ऑल द एल्कलाई मेटल हाइड्रोइ आर आयोनिक सलाइन हाइड्राइड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट ठीक है तो लीथियम भी करेगा सोडियम भी करेगा पोटेशियम भी करेगा लेकिन अब हाइड्रोजन वाली एनसीआरटी में जाके एक चीज कंफर्म कर लेते हैं अपन कि जब मैंने हाइड्रोजन वाले रिएक्शंस की बात करी थी आयोनिक हाइड्राइड की तो यहां पे मैंने देखा था सिग्निफिकेंट कोवलेंट करेक्टर फाउंड सिग्निफिकेंट कोवलेंट करेक्टर इज फाउंड इन द लाइटर मेटल हाइड्राइड सच एज लिथियम हाइड्राइड ये बात ध्यान रखना तो यहां पे यहां पे ये यह आयनिक सॉलिड तो बनाएंगे लेकिन लिथियम हाइड्राइड जो है उसमें सिग्निफिकेंट कोवलेंट करेक्टर होगा ठीक है अपन ने देखा था बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में देखा था कि उनमें तो पॉलीमेरिक चेन होती है तो पॉलीमेरिक नेचर होता है राइट यानी फुल

लार्जर द साइज ऑफ अनायन ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट करेक्टर तो यहाँ पे जो लिथियम है उसकी पोलराइजेशन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्यों बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका साइज छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आएगा मेरे पास अनायन का उसको डिस्टोर्ट कर देगा जो नेगेटिव हलाइट है मेरे पास उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देगा

आयोडाइड इज मोस्ट कोवलेंट इन नेचर बात सही है क्यों क्योंकि आयोडाइड जो है उसका अनायन सबसे बड़ा होगा तो स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन लार्जर द साइज ऑफ अनायन ग्रेटर द कोवलेंट करेक्टर फजान रूल तो अगर मैं लिथियम की बात करता हूं तो लिथियम का फ्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड तो लिथियम आयोडाइड जो उसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर मिलेगा राइट दिस इज इंपॉर्टेंट तो आई विल मार्क दिस हैज पांच हो गए थे दिस इज दिक्सथ थिंग दैट हैज टू बी रिमेम्बर्ड ओके आगे आ जाए नाओ अब जो अपन देखने वाले हैं ये अपने को याद करना होगा देखो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं भाई रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड किस पे करता है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने कैसे निकाला वो वैल्यू कैसे मैं निकाली मैंने वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू निकाली कैसे वो वैल्यू आई कहां से उस वैल्यू को मैं निकालता हूं सब्लिमेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के टोटल सम से यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूं वो डिपेंड करता है तीन चीजों पे वो डिपेंड करता है सब्लिमेशन एनथेलपी पे आयोनाइजेशन एनथेलपी पे और हाइड्रेशन एनथेलपी पे इन तीनों पे डिपेंड करता है मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाउ दिस इज अगेन समथिंग दिस इज अगेन समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर ओके तो अब लीथियम जो है ना उसकी हाइड्रेशन एंड सबसे ज्यादा है इसके लिए उसकी मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है और रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है तो जो मेरा लिथियम है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव क्यों है क्योंकि तीन चीजें हैं मेरे पास जो मैटर करती हैं क्या मैटर करती है तीन चीजें हाइड्रेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा इसके चलते उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मोस्ट नेगेटिव हो गया वो मोस्ट नेगेटिव हो गया ठीक है ओके okay. राइट right? आगे देखें प्रॉब्लम टेन पॉइंट टू देखते हैं ओके okay? तो प्रॉब्लम टेन पॉइंट टू कह रहा है कि अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं तो क्लोरीन का है प्लस वन पॉइंट थ्री सिक्स ठीक है आयोडीन का है पॉइंट फाइव थ्री सिल्वर का है प्लस क्लोरीन का आयोडीन का सिल्वर का है तीनों का प्लस सोडियम का माइनस लिथियम का माइनस ठीक है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में मेरे को इनको जमाना है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यानी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करें तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दें है ना रिड्यूसिंग खुद ऑक्सीडाइज हो जाए सामने वाले को रिड्यूस कर दें ऑक्सीडाइज होने का मतलब है खुद पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट में आए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएं ठीक है मेरे को पता भाई लिथियम जो है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है राइट right? है ना ये ये लिखा हुआ देखो यही लिखा हुआ है कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है तो लिथियम जो है उसका ई मोस्ट नेगेटिव है इसलिए वो सबसे स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इट्स द स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो अब यहां पे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे पहले आएगा लिथियम बिल्कुल क्योंकि मोस्ट नेगेटिव उसके बाद आएगा सोडियम बात सही है इससे थोड़ा कम नेगेटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि तुम बोलो माइनस थ्री तो माइनस टू से छोटा होता है वो नहीं है यहाँ पे बात माइनस का मतलब ये कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं अपन खाली इसके अंदर मैग्नीट्यूड देखो नेगेटिव में मोस्ट नेगेटिव का मतलब माइनस के साथ थ्री बड़ा है क्योंकि तो मैग्नीट्यूड में तीन बड़ा हो जाएगा दो से ऐसे इस तरीके से ठीक है फिर जीरो जीरो से ऊपर चलेंगे तो पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव थ्री यानी आयोडीन पॉइंट फाइव थ्री के बाद पॉइंट सेवन नाइन सिल्वर उसके बाद में क्लोरीन तो बिल्कुल बात सही है ये ऑर्डर जो आया है क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर जो है उसमें जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है नीचे नीचे जो है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है ऊपर बढ़ोगे जैसे जैसे पॉजिटिव की साइड जाओगे जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे फ्लोरीन ठीक है तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे ठीक है आगे आ जाए नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मैं एल्कलाई मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालूंगा तो क्या होगा अगर मैं अल्कलाई मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालूंगा तो मुझे जेई के बहुत बढ़िया सवाल मिलेंगे जो बहुत ज्यादा रिपीट हो चुके हैं ठीक है देखो तो होता क्या रिएक्शन मैंने मेटल को लिया मैंने अमोनिया में उसको डाला मुझे मिला एम एन एच थ्री एक्स होल प्लस एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है इट विल इम्पार्ट ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन इट विल मेक द सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक एंड धीरे 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 ये जो सॉल्यूशन है इसमें से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे मुझे अमाइड बनाने लग जाएगा ठीक है और जो कलर है सॉल्यूशन का वो ब्लू कलर से ब्राउन्ज कलर में चेंज हो जाएगा और ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा तो अगर मैं लिथियम सोडियम पोटेशियम में से किसी को अमोनिया में डालूंगा तो मुझे मिलेगा मुझे मिले मिलेगा ब्लू कलर बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ये है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण मुझे ब्लू कलर मिलेगा और वो मेरे को पैरामैग्नेटिक नेचर भी देगा और यहां पे अगर तुम देखोगे तो वो कंडक्टिंग नेचर भी देगा इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन है ना मूव कर जाएगा कंडक्टिंग नेचर है पैरामैग्नेटिक नेचर है और ब्लू कलर है फिर क्या होगा थोड़ी देर बाद ये जो इलेक्ट्रॉन खाली घूम रहा था ये अमाइड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और उसके चलते कलर चेंज हो जाएगा जो ब्लू से ब्राउन्ज में और सिंस इलेक्ट्रॉन अब फ्री नहीं बचा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा ठीक है अब यहां तक अपन रुक के एक बार क्वेश्चंस देखते हैं लेट्स हैव अ लुक एट दी क्वेश्चंस ओके कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं तो अभी ये रिएक्शंस अपन ने पूरे देखे नहीं है है ना मेजर ऑक्साइड वैसे तो देख लिए लेकिन अभी फिर से आएगा ये तो अभी अपन इसको नहीं कर रहे ठीक है इसको अपन अभी नहीं कर रहे द मेटल मेनली यूज इन डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ओके दिस इज इंटरेस्टिंग ये रीडेबल है ये रीडेबल है बच्चों या थोड़ा बड़ा करूं एक मिनट मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ है न जस्टर सर हेलो योगेश रीडेबल नहीं है अब अब है रीडेबल हम्म सही है हाँ ठीक है ओके देखो भाई तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं लीथियम सोडियम और पोटेशियम को एक्सेस एयर में एक्सेस ऑफ एयर में अगर मैं लीथियम सोडियम पोटेशियम को एक्सेस ऑफ एयर में अगर मैं गर्म करता हूं इनको जलाता हूं कंबशन होता है अगर एक्सेस ऑफ एयर में तो मुझे क्या मिलेगा तो ऑक्साइड परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड ये तीन चीजें देखी थी अपन ने राइट है ना तो अपन ने क्या देखा था क्या मिलता है है ना लेट्स लेट्स सी यहीं पे तो देखा था जस्ट नाउ ऑक्साइड परऑक्साइड एंड सुपरऑक्साइड मिलता है जो मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं वो यही बनते हैं ऑक्साइड Li2O Na2O2 एंड Mo2 KO2 मतलब ठीक है अब यहां आ जाओ तो आई थिंक ऑप्शन बी ऑप्शन बी हां भाई राइट ऑप्शन बी बोलो है ना है ना ओके okay. अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द मेटल दैट इज मेनली यूज फॉर डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए मैं वो लूंगा जिसकी आयनेशन एनर्जी सबसे कम हो एंड आई नो दैट विल बी सीजियम डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी है ना डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस कम होती चली जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप राइट तो सीजियम की सबसे कम होगी इजी होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ओके okay? फाइन हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी अपन ने नहीं पढ़ा है एक बार इसको छोड़ देते हैं आगे आ जाते हैं हाँ ये अपन ने पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है हाइड्रेशन एंथैल्पी मैंने कहा था ना याद कर लेना जेई का सवाल बनता है हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी लिथियम की, की। सबसे ज्यादा किसकी लीथियम की सबसे कम किसकी सीजियम की कौन सा ऑप्शन है सबसे ज्यादा लिथियम सबसे कम सीजियम राइट ऑप्शन डी बोलो हम्म क्वेश्चन नंबर फोर की बात हो रही है सीएस का वर्क फंक्शन कम होता है सीजीएम का बिल्कुल राइट ओके ओके मेटल ऑन कंबसन इन एक्सेस ऑफ एयर फॉर्म्स एक्स एक्स अच्छा, अपन पढ़ेंगे अपन ने पढ़ी नहीं है ओके ये आगे पढ़ी नहीं है फाइन ओके काम करते हैं पहले अपन पहले अपन पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं ये सारे क्वेश्चन लाइन से हो जाएंगे सब एनसीईआरटी के सवाल हैं सारे के सारे ऑल दीज एनसीईआरटी सारे के सारे, सारे सवाल हो जाएंगे सारे देखो बस अपन यूजेस थोड़ा सा देख के इनके रिएक्शंस देख लेते हैं ऑल दी सवाल हो जाएंगे अपने एक नहीं बचेगा देखना तुम एक सवाल नहीं बचेगा सब हो जाएंगे आओ की बात करते हैं जल्दी से करते हैं लेट्स गो थ्रू इट क्विकली ओके तो लिथियम जो है वो एलोए बनाने के काम आता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल विद लेड टू मेक व्हाइट मेटल बियरिंग ऑफ मोटर इंजन एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने के काम आता है मैग्नीशियम आर्मर प्लेट बनाने के काम आता है लिथियम यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सोडियम यूज होता है और जो कि एंटीनोक एडिटिव आते हैं ये याद रखना है ये देवी लास्ट दिस, पक्का पक्का देख लेना. ठीक है लिक्विड सोडियम जो है वो कूलेंट के जैसे काम होता है अपन ने देखा था वो हैवी uh, वाटर जो है वो काम आता है मॉडरेटर के जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में हाइड्रोजन में देखा था अपन ने लिक्विड सोडियम कूलेंट के जैसे काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में पोटेशियम जो है उसका रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पोटेशियम यूज होता है फर्टिलाइजर्स में सॉप बनाने के काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉल कॉन्सेप्ट में अपन देखते हैं एंड सीजियम इज यूज फॉर फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स सीजियम यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में ये हो गए इनके यूजेस ठीक है राइट right? तो मेन चीज क्या है मेन है लिक्विड सोडियम कूलेंट के जैसे काम आता है और जो सोडियम है वो एंटीनोक एडिटिव में काम आता है पोटेशियम काम आता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में फर्टिलाइजर्स में सीजियम काम आता है प्रोटोलैक्ट्रिक सेल में ठीक है अब अपन इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं नाउ विल गेट सो मच इन्फॉर्मेशन जो अपने को याद रखनी होगी देखो मैं न, जब मैं लिथियम को गर्म करता हूँ ना जलाता हूँ जब मैं लिथियम को एयर के अंदर तो मेनली वो एल बनाता है लेकिन उसके साथ वो एल आई भी बनाता है तो अगर क्वेश्चन आए कि लिथियम के कितने ऑक्साइड बनते हैं तो एल आई टू ओ भी बनता है लेकिन मेनली मेनली कौन सा बनता 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 है 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 लेकिन इसके साथ Li2O2 भी बनता है। वैसे जब सोडियम बनाता है तो एन ए टू ओ टू और थोड़ा सा एक्स्ट्रा में चले जाए तो एन ए टू भी बनाता है यानी कुल मिलाकर सीधी बात ये होगी कि लिथियम जो है वो एल आई टू के साथ एल आई टू ओ टू भी बनाता है लेकिन मेन कौन सा एल आई टू ओ वैसे ही, जो सोडियम है वो एन ए तो बनाता ही है वो मेन है ज्यादा जो बनेगा लेकिन साथ में थोड़ा सा एन भी बनेगा और बाकी सारे जो है वो Mo2 बनाते ही है के ओ टू टू सी एस ओ टू बनता ही है ठीक है ठीक है अब जो मेरे ये सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड है इनकी स्टेबिलिटी डाउन द दा ग्रुप बढ़ती है क्यों बढ़ती है क्योंकि डाउन द दा ग्रुप जो है कटाइन का साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप कटाइन का साइज बढ़ता है तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है इन सुपरऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड को ठीक है आगे देखें अगर मैं इन सुपर ऑक्साइड और, पर oxides और oxides को पानी में डालूंगा तो क्या होगा तो सिंपल ऑक्साइड से मेरे को हाइड्रोक्साइड मिलेगा मेरे को पर हाइड्रोक्साइड प्लस एच टू ओ टू मिलेगा मेरे को सुपर ऑक्साइड से सिंपल हाइड्रोक्साइड मिलेगा एच टू ओ टू मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा सेम रिएक्शन देखेंगे अपन जेई ने पूछा हुआ सेम रिएक्शन सिंपल ऑक्साइड को डालूंगा तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा पोरऑक्साइड को डालूंगा तो हाइड्रोक्साइड और एच मिलेगा सुपर को डालूंगा तो हाइड्रोक्साइड एच और ऑक्सीजन मिलेगा ठीक है ओके दीज एंड आर कलरलेस सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं क्यों क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं क्यों क्योंकि वो जो ओटू माइनस है इनके अंदर ओटू माइनस जो है ओटू माइनस जो है उसके मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑरेंज कलर के हो सकते हैं है क्यों? क्यों क्यों है, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है पाई स्टार टूपी में तो पाई स्टार टूपी जो मोलिकुलर ऑर्बिटल उसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ओटू माइनस में वो उसको पैरामैग्नेटिक नेचर देता है और इसके कारण वो कलर इंपार्ट कर देते हैं ठीक है राइट ओके ओके फाइन जनरल चीज है आगे तो. आ जाओ द हाइड्रोक्साइड विच आर ऑप्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद विदर आर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो हाइड्रोक्साइड जितने भी मिलेंगे दे ऑल आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एल्लाइड मेटल आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेसिस फ्रीली इन जनरल चीजें हैं ओके okay, आगे आ जाओ हेलाइड की बात करते हैं तो मेटल हलाइड है एम एक्स एम इज द मेटल एक्स कैन बी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन ठीक है हाई मेल्टिंग पॉइंट है कलरलेस है क्रिस्टलाइन सॉलिड है प्रिपेयर करते हैं रिएक्शन सीधा क्रिएट करवा देंगे उनको किससे ऑक्साइड से, से रिएक्ट करा दो हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दो या कार्बोनेट से रिएक्ट करा दो सीधा मेरे को जो एमएक्स मिल जाएगा और अगर प्रिपेयर ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद हाइड्रोहेलिक एसिड तो एच से मैं करवाऊंगा ऑक्साइड का तो मेरे को सीएल वालाइड बन जाएगा तो NaCl KCl वो मिल जाएगा एन वेच्च वेच्च से कराऊंगा तो एन ए सी एल के सी एल मिल जाएगा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट तीनों से मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं हलाइड की ठीक है अब यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं और वो अपने को याद रखनी है। जैसे कि ऑल ऑफ दीज द ग्रुप नाउ रिमेंबर्ड कि जब मैं नीचे जाता हूं डाउन द ग्रुप में तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड की वैल्यू लेस नेगेटिव नेगेटिव हो जाती है लेस होना कि स्टेबिलिटी कम हो गई लेस नेगेटिव होना यानी उसका जो फॉर्मेशन है वो लेस है है ठीक तो फ्लोराइड जो है लिथियम फ्लोराइड का कंपैरिजन करें सीजियम फ्लोराइड से तो लिथियम फ्लोराइड के लिए जो फॉर्मेशन है डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है यानी जब वो कंपाउंड बनेगा तो नेचर में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी तो नेचर उस प्रोसेस को फेवर करेगा ठीक है वाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर द डेल्टा एच फॉर्मेशन क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड तो ये एक्सेप्शन हो गया तो रेदर यहां पे मैं इसको टिक मार के छोड़ू मैं यहां पे लिख देता हूं यहां पे इसको कि यहां हैव एक्सेप्शन है कि फ्लोराइड के केस में नीचे जाते जाते लेस नेगेटिव हो जाती है लेकिन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के केस में जस्ट अपोजिट है ठीक है अगर मैं बात करूं किसी गिवन मेटल की डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑलवेज बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड यानी लिथियम फ्लोराइड से लिथियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में डेल्टा एच फॉर्मेशन कम होगा सोडियम फ्लोराइड से सोडियम आयोडाइड के फॉर्मेशन में जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो सदा कम होता चला जाएगा ये जनरल ट्रेंड है ठीक है ओके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर ऑलवेज फ्लोराइड का ज्यादा उससे कम क्लोराइड उससे कम ब्रोमाइड उससे कम आयोडाइड ये एक जनरल ट्रेंड दिख रहा है मेरे को यहां पे ठीक है तो हाईलाइट ही करना बेहतर है जिससे कि तुम भी हाईलाइट कर लो दीज आर हाइलाइट इन वॉटर अब यहां पर एग्जाम्पल में सेम रिजल्ट मिल रहा है लेकिन रीजन अलग है अभी अपन इन चार लाइनों को पढ़ेंगे यहां पे आउटपुट जो है रिजल्ट जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है लेकिन रीजन अलग है देखो लिथियम फ्लोराइड की सोल्यूबिलिटी कम है कारण है लेथी सें सीजियम आयोडाइड की भी कम है लेकिन उसका कारण है हाइड्रेशन एनथेल्पी तो लिथियम फ्लोराइड लेस सोल्यूबल है क्यों क्योंकि उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है ठीक है तो टूटने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए कि वो सोल्यूशन में न जा पाएगा सीजियम आयोडाइड जो है उसकी भी सोल्यूबलिटी कम है क्यों क्योंकि उसकी लेटिस का प्रॉब्लम नहीं है उसका प्रॉब्लम यह है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो सीजियम जब पानी में जाना चाहेगा तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा कि वो टूट सके तो दोनों की ही सोल्यबिलिटी कम है दोनों की ही लो सोलबिलिटी है लिथियम फ्लोराइड की भी और सीजियम आयोडाइड की भी बट लिथियम फ्लोराइड के लिए जो रीजन है वो है लेटिस एनथेल्पी सीजियम आयोडाइड की कम है उसका कारण है स्मॉलर हाइड्रेशन एंथेल्पी ठीक है ये बात ध्यान रखना दोनों का कारण दोनों में क्या हो रहा है सोल्यूबिलिटी कम है लेकिन लिथियम के केस में लेटिस एनर्जी ज्यादा है इसलिए कम है सीज़ियम के में हाइड्रेशन एनर्जी कम है इसलिए कम है ठीक है रिमेम्बर दिस थिंग ओके अगर मैं बात करूं लिथियम के बाकी हलाइड की तो हलाइड्स ऑफ लिथियम आर इन इथेनॉल, एसिटोन इथाइल एसिटेट एल आईसीएल इन पायरिडीन क्यों बिकॉज यहां पे आ गया मेरे पास कोवलेंट यहां पे मेरे पास आ गया कोवलेंट करेक्टर लिथियम के जो हलाइड वो थोड़ा कोवलेंट करेक्टर दिखाते हैं सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर कि लिथियम जो है उसके जो क्लोराइड है वो तो पायरिडीन में लिथियम हलाइड सोल्यूबल एसिडोल निथलिटेट ठीक है लेकिन मेन चीज क्या है लिथियम फ्लोराइड की एट इज लेटिस एनर्जी ज्यादा है इसलिए वो कम सोल्यूबल है और सीजियम हाइड्राइड की हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम है इसलिए वो कम सोल्यूबल है ठीक है फाइन नाउ लेट्स कम टू सोर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स आ जाओ ऑक्सो एसिड इन विच द एसिडिक प्रोटोन एसिडिक प्रोटॉन इज अ टूड्रोक्सिल ग्रुप जैसे यहाँ पे H2CO3 का जो फॉर्मूला है वो ये एच टू को मैं कैसे लिखूंगा H2CO3 में, में मेरे पास C है यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, एच यहाँ पे OH। तो ये है मेरा एसिडिक प्रोटोन जो ओ OH से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको ऑक्सो एसिड कहते हैं सेम इज द केस विद तो एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच तो जो हाइड्रोजन है वो यहां से निकलेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना इसलिए इनको कहते हैं ऑक्जो एसिड्स इसलिए इनका नाम है ऑक्जो एसिड्स क्योंकि जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो ऑक्सीजन के साथ है ठीक है प्रॉपर्टीज आर जनरल तो प्रॉपर्टीज क्या है मेटल सोल्ड फॉर्म सोल्ड विद ऑक्जो एसिड्स दे आर जनरली सोल्यूबल इन वोटर एंड थर्मली स्टेबल ठीक है कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर हाईली स्टेबल टू हीट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ती है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की ठीक है अब लीथियम जो है ना वो अपने बाकी फैमिली वाले मेंबर से अलग है लिथियम का नेचर अपने बाकी फैमिली मेंबर से अलग है तो बाकी फैमिली मेंबर से अलग है, तो से अलग है. इसलिए लिथियम इस लिथियम इज नॉट सो स्टेबल टू हीट लिथियम का कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल नहीं है और जल्दी से टूट जाता है जल्दी से टूट जाता है और एल आई टू ओ और सी ओ टू बना देता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता एज अ सॉलिड तो लिथियम जो है उसका कार्बोनेट स्टेबल नहीं है वो जल्दी से टूट जाता है बाकी सबके जो कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल हैं हीट पे भी और वो सोल्यूबल भी हैं सोल्यूबल हैं वाटर में और थर्मली स्टेबल है थर्मली स्टेबल है और वाटर में सोल्यूबल है ठीक है और डाउन द दा ग्रुप उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है डाउन द दा ग्रुप उनकी स्टेबिलिटी जो है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वो बढ़ती है लेकिन लिथियम जो है तो क्योंकि ग्रुप में सबसे ऊपर है है और डाउन द दा ग्रुप बढ़ रही यानी लिथियम लिथियम की सबसे कम तो फटाक से टूट जाता है एल और सीओ में ओके नाउ लेट्स लुक एट प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम तो लिथियम ऐसा क्यों है उसके कार्बोनेट्स में प्रॉब्लम है वो ऑक्साइड अलग तरीके से बनाता है उसका जो एल आई सी अलग वो कोवलेंट करेक्टर दिखा रहा है तो लिथियम बाकियों से अलग क्यों है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है क्यों है ये सारी चीजें इसका कारण ये है कि उसकी साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है क्योंकि पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है चार्ज और रेडियस रेशियो पे और जो उसका चार्ज और रेडियस रेशियो उसकी पोलराइजिंग पावर को बहुत बढ़ा देता है स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर द पोलराइजिंग पावर ज्यादा कोवलेंट करेक्टर दिखाएंगे उसके कंपाउंड आयोनिक की जगह ठीक है दीज इंक्रीज दिस देर इज इंक्रीज कोवलेंट करेक्टर कोवलेंट करेक्टर लिथियम कंपाउंड में ज्यादा है इसके लिए उसकी सोलिबिलिटी जो है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट में दिखती है और इसी के कारण वो जो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है थोड़ी सी अलग है बाकी सब ज्यादा आयनिक है ये ज्यादा कोवलेंड हो जाता है ठीक है अब कंपेरिजन है लिथियम का सबसे लीथियम इज मच हार्डर इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एड हायर देन दर एल्लाई मेटल होते ऊपर से नीचे आते डिक्रीज हो रहा है लीथियम इज लीस्ट रिएक्टिव द स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टिव ज्यादा नहीं है लेकिन यह एल आई टू बनाता है एल आई थ्री एन भी बनाता है लेकिन मैंने देखा एल आई टू ओ टू भी बना देता है काफी दे तक उसको जलाया जाए अगर हवा में तो थोड़ा बहुत ट्रेस अमाउंट में एल आई टू ओ टू भी बनता है ठीक है डेली क्यूसेंट डेली क्यूसेंट यानी ये एटमोस्फेयर से पानी को पकड़ लेगा इसमें वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ठीक है ओके okay. लिथियम लिथियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं दे आर नॉट इन सॉलिड फॉर्म बाकी सबके होते हैं ठीक है बाकी अल्कलाई मेटल किसे कंपेयर करें तो लिथियम जो है वो इथाइन के साथ इथेनाइड रिएक्शन नहीं देता ये जेई ने पूछ लिया है लिथियम अनलाइक अदर एल्कलाई मेटल फॉर्म्स नो इथेनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन तो लिथियम लीथियम इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा इथेनाइड रिएक्शन नहीं देगा एक्सेप्शन है ठीक है अगर मैं बात करूँ नाइट्रेट की तो लीथियम नाइट्रेट जो है उसको मैं गर्म करूंगा तो वो एल आई टू ओ एन ओ टू और CO2 टू में टूट जाएगा बाकी जो एल्कलाई मेटल के नाइट्रेट्स हैं वो एन एन ओ टू और ओ टू के एन ओ टू और ओ टू आर बी एन ओ टू और ओ टू ऐसे तोड़ेंगे है ना राइट right? लीथियम फ्लोराइड एल आई एफ एल आई टू ओ आर मच लेस सोल्यूबल इन वाटर क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर इनका आ जाएगा तो लिथियम की जो प्रॉब्लम है ना सारी ये प्रॉब्लम किस कारण से है किसका साइज छोटा है पोलराइजिंग पावर ज्यादा है चार्ज टू तो साइज रेशियो ऐसा है कि इसको जो है कोवलेंट ज्यादा इम्पार्ट करता है किसी भी जब ये कंपाउंड में जाता है तो ठीक है एक बार फिर से देख लें अपन क्या क्या चीजें हो रही यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पहला तो नॉर्मल है दूसरा रिएक्टिव कम है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे एल आई टू ओ बना है एलआई थ्री एन बनाता है और ज़्यादा देर तक रखे तो एलई टू ओ टू भी बना लेता है डेली क्वेशन है वॉटर क्रिस्टलाइजेशन पकड़ लेता है हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इसके मिलते ही नहीं सॉलिड फॉर्म में ठीक है इथेनाइड रिएक्शन नहीं देता है ये एल्कलाई मेटल नाइट्रेट जो है उनको अगर मैं गर्म करूंगा तो वो एन ए एन टू के एन टू यानी नाइट्राइट और ऑक्सीजन देंगे लेकिन जो लिथियम है वो ऑक्साइड दे देगा और टूट जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन दे देगा ठीक है अब बात करें सिमिलैरिटीज की तो लिथियम जो है वो मैग्नीशियम से काफी सिमिलर बैठ जाता है ठीक है तो लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही अपनी फैमिली के मुकाबले बहुत ज्यादा हार्ड है ठीक है उनकी हार्डनेस बाकी फैमिली मेंबर से ज्यादा है ठीक है दे रिएक्ट स्लोली विद वॉटर अपने देखा था कि माना कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है लिथियम का फिर भी इसका जो रिएक्शन है पानी के साथ वो सोडियम से भी कम विग्रस है क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है एक तो वो कारण है दूसरा ये

ऑक्साइड दे देते हैं Li2O2 टू ओ टू भी देखा अपन ने वो बन जाता है ठीक है ओके कार्बोनेट जो है लिथियम एंड मैग्नीम के दे डिकम्पोज स्लोली ऑन हीटिंग ठीक है और CO2 निकल जाता है बाहर और ऑक्साइड मिल जाता है ये ये अपन अपन ने देखा था लास्ट पेज पे चीज देखी थी और हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इनका बनता ही नहीं है सॉलिड में ठीक है इनका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है इसलिए इथेनॉल में डिजोल्व हो जाएंगे दोनों ही डेलिक्यूसेंट है लिथियम दो एच टू ओ को पकड़ेगा मैग्नीशियम आठ एच टू ओ का पकड़ेगा ठीक है तो ये कुछ अपनी प्रॉपर्टीज देखी यहां पे अपन ने देखा लिथियम और मैग्नीशियम में क्या रिलेशन है लिथियम के क्या एनएमएलस प्रॉपर्टीज हैं सारी चीजें देखी अपन ने ठीक है वी हैव सीन ऑल दिस है ना ओके okay. अब बात आई अपने पास सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा बच्चों ये अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा राइट हम हम लैगा रहा है मनीष कुमार मेरे दोस्त लैगा रहा है हम hmm? ओ हाँ अपन को देखना था ना तो जेम्स ऑफ स्पेस टेलीस्कोप जो है उनके जो मिरर बने हैं है ना जो मिरर बने हैं वो बेरिलियम से बने बताना था ना मेरे को तुमको ये तो अपन भूल ही गए बातों बातों में तो इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो बने हैं एक मिनट ये कहीं और ही चले गए क्या अपन अच्छा जेम्स वेब कौन है उस पर आ गए अपन तो सॉरी ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं देखें एक मिनट देखें कुछ मिले तो बताओ यार नासा की साइड पे ढूंढना इतना मुश्किल है हम्म कैमरा वैमरा इसमें मिरर की बात ही नहीं हो रही वॉट इज दिस एक मिनट हाँ यही लिखते हैं है ना जेम्स वेब मिरर बैरी लियम हम्म ये मिला ये देखो खोलो भाई जल्दी हाँ अब हुई ना बात वेब मिरर तो भाई वेब के जो मिरर है ना जो मिरर बने हैं वेब के ये तो सारी बातें उसके बारे में हेक्सागनल शेप क्यों है वो सारी चीजें बाद की बात है ये जो मिरर है ना ये जो फ्रेम है ना पीछे की जो फ्रेम है ये ये जो पीछे की फ्रेम है ये फ्रेम बेरिलियम की है ये जो काम चल रहा है ना यहाँ पे ये बेरिलियम की है दे आर मेड फ्रॉम बेरिलियम वाई मेड फ्रॉम बेरिलियम देखना पड़े ना इसको बढ़िया चीज है दिस इज गुड आर दे आर मेड फ्रॉम बेरिलियम हेर इड इज है ना यहाँ हेलो आशुतोष स्पैमर है वो स्पैमर है तो अभी उसको बाय कर देंगे स्पैमर को तो लेकिन लग नहीं रहा मेरे को स्पैमर है क्योंकि पहले उसने लिखा है ओपी और फिर उसने लैग लिखा है उससे पहले उसने ओके लिखा है हम्म हम्म ओके ओके इरुडिटुप इरुडिटुप बोल रहा है कि भाई ये कोई बेस्ट टीचर है केमिस्ट्री का ओके यार बढ़िया है ना उसके लिए कितना अच्छा उसके लिए कि वो बेस्ट टीचर रहे है ना है ना मैं तो क्या ना कॉम्पिटिशन की बार हूं ये सब आपस आपस में बेस्ट बेस्ट करके रह जाते हैं मैं कॉम्पिटिशन के ऊपर आ जाता हूँ <laughs> क्योंकि मैं टीचर हूं नहीं ना यार इसलिए मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड हम्म चाय आ गई चाय आ गई यार हम्म हेअर है ना एक मिनट hmm. हाँ स्पैमर है ओके, जस्ट सेक ओके, तो कंपाउंड ऑफ सोडियम अपने को देखने वो देख लेते हैं अपन एक बार कंपाउंड ऑफ सोडियम है ना और फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे और देखना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने सारे के सारे देखो तो अपने पास है पहला कंपाउंड है सोडियम सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ठीक है तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर कुछ चीजें जो अपने को फिर से याद करनी है देखो सब कुछ याद करने का मैंने मार्क तो कर दिया है लेकिन याद तो तुमको करना पड़ेगा और सब याद करना पड़ेगा ठीक है तो सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रीपेय बाय सोल प्रोसेस दिस इज अ गुड थिंग ये एग्जाम में आ सकता है इन दिस प्रोसेस एडवांटेज ऑफ टेकन किसके एडवांटेज देखते हैं लो सोलबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तो मैंने कहा था ना सोलिबिलिटी अपन वापस देखेंगे अपने हाइड्रोजन के केस में देखा था एम जी होल्ड वाइस बता है जबकि CaCO3 बनता है जब अपन बॉइलिंग करके टेम्परे हार्डनेस निकालते हैं राइट वी सो दैट थिंग एक तो वहां आती है सोलिबिलिटी काम एक सोलिबिलिटी काम आती है सोल्य प्रोसेस में ठीक है यहाँ पे सोलिबिलिटी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो होती है वो लेस होती है इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो रिएक्शन क्या होता है पहले देखते हैं ठीक है तो मेरे पास अमोनिया है मैंने उसके उसको पानी में डाला उससे सी टू पास करा मेरे को मिला अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट जो उससे फिर से उससे सी ओ टू पास कराने को मिला अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मैंने उसमें एन ए सी एल डाला मेरे को मिला अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला और अमोनियम क्लोराइड मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है और उनको जब मैं गर्म करता हूं क्रिस्टल्स को व्हेन आई हीट दीस क्रिस्टल्स तो अमोनिया से चालू हुआ को मिला अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां पे इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जो मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी सोलिबिलिटी कम है सोलिबिलिटी कम होने के कारण सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है उसके प्रेसिपिटेट हो जाने के कारण वो बाहर निकल जाता है बाहर निकलने के कारण जब मैं उसको गर्म करता हूं तो ईजिली मेरे को एन मिल जाता है ठीक है इस प्रोसेस में एनएच थ्री में फिर से रिकवर कर लेता हूं क्योंकि मैं को से रिएक्ट करवा देता हूं तो मेरा NH3 फिर से आ जाता है फिर एनएच थ्री आ जाता है तो फिर से रिएक्शन यहां से चालू हो, हो गर्म करके फिर से एनएच फोर सीएल फिर से सेल्टवाइस डाल के, फिर से एनएस निकाल लेता हूं एंड द साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग 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 और ये मेरा प्रोडक्शन होता रहता है यहां पे एनए का ठीक है लेकिन सोल्वे प्रोसेस को मैं पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए काम नहीं ले सकता क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सोलिबिलिटी ज्यादा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सोलिबिलिटी कम है इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के काम आ सकता है लेकिन पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसकी सोलिबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि मैं पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के काम नहीं ले सकता सोल्यू प्रोसेस को वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ठीक है फाइन प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है डेकाहाइड्रेट के जैसे एग्जिस्ट करता है गर्म करेंगे तो ये पानी को छोड़ देगा ठीक है थोड़ा गर्म करा तो पानी के नौ मोलिक्यूल निकल गए और गर्म करा पानी का आखिरी मोलिक्यूल भी निकल गया ठीक है तो जो मोनोहाइड्रेट है वो कंप्लीटली अनहाइड्रेस हो जाता है और उसको मैं कहता हूं सोडा एश ठीक है याद रखना एन में दस पानी के मोलिक्यूल गर्म करके नो निकाले फिर और गर्म करके एक और निकाला तो बन जाता है सोडा एश ठीक है जनरल यूजेस वाटर सॉफ्टनिंग के काम आता है Na2CO3 हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है Na2CO3 अपन ने देखा था ठीक है ग्लास बोरेक्स कास्टिक सोडा बनाने के काम आता है पेपर पेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम आता है ठीक है ओके री वेरी स्पेसिफिक कोई खास चीज नहीं है अब आगे एन ए पे ओके तो एन जो है वो अपन नमक जो है खूब खाते हैं उसको अपन टेबल सोल्ट कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन है जो ब्राइन सोल्यूशन में अपने पास सोडियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड इंप्योरिटी के जैसे होती है इन सबको हटा देते हैं अपन ठीक है कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आर इंप्योरिटीज बिकॉज दे आर डेलिक्विशेंट टू ऑपटेन प्योर सोडियम क्रूड सोल्ट को मैं मिनिमम वो डिजोल्व करता हूँ फिल्टर कर लेता जनरल चीज है कुछ खास नहीं यहाँ पे नथिंग मच हेयर पढ़ लेना इसमें कोई ना तो खास चीज है ना कम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड लेट्स कास्टिक सोडा ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेर्ड कमर्शियलीसिस ऑफ हाँ ये काम का है कैशनर कैलनर सेल कैशनर कैलनर सेल में मेरे पास होता है मरकरी का कैथोड मेरे पास होता है ब्राइन सोल्यूशन एज इलेक्ट्रो वो इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है कार्बन का एनोड तो जो कैथोड है वहां पे मरकरी अमलगम बनता है सोडियम मरकरी का अमलगम बनता है ठीक है एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है ठीक है वो जो अमलगम है उसमें जब मैं पानी डालता हूं तो मुझे मिलता है एन तो कैसनर कैलनर सेल में कैथोड क्या है मरकरी एनोड क्या है कार्बन ब्राइन क्या है इलेक्ट्रोलाइट जब वहां से पास होएगा इसको सोडियम एटम इज़ डिस्चार्ज्ड एट कैथोड कंबाइंस विद मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम तो सोडियम अमलगम बना सोडियम अमलगम में अंदर मैंने पानी डाला मेरे को NaOH मिला ठीक है दैट्स हाउ वी प्रिपेयर NaOH बाय कैस्नर कैल्नर सेल ओके okay, बाकी जनरल है आगे आ जाओ फाइन कहां काम आता है ये तो साबुन बनाने के काम आता है पेपर आर्टिफिशियल सिल्क जनरल है पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड जो है ना इसका प्रोसेस तुम देखोगे जब क्लास ट्वेल्थ में अपन करेंगे ना ये एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी उसमें आएगा वहां देखेंगे अपन वहां आएगा ये ठीक है टेक्सटाइल कॉटन लेबोरेटरी लेबरेटरी जनरल है जनरल है कुछ खास नहीं है नाउ वी हैव एन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा हाँ बेकिंग सोडा तो अपने काम आता है ना बेकिंग सोडा ठीक है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है फिर वो अपन केक्स और पेस्ट्रीज बनाने के काम लेते हैं उसको फ्लफी कर देता है ठीक है क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे बनाता हूं मैं मैं सेचूरेट कर देता हूं सोडियम कार्बोनेट को विद कार्बन डाइऑक्साइड तो सोडियम कार्बोनेट है पानी है सी टू है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया ठीक है ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है स्किन इन्फेक्शन वगैरह के लिए काम आ जाता है एच टू ओ टू भी थोड़ा सा एंटीसेप्टिक था है ना तो एच टू ओ टू भी है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी थोड़ा सा एंटीसेप्टिक है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भाई ये काम की है ये पूछी जाएगी सोडियम आयन इज फाउंड प्राइमरी ऑन द आउटर आउटसाइड ऑफ द सेल लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा इन द फ्लूइड फ्लूड सराउंड्स द सेल तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है सेल्स में होता है ठीक है ओके नर्व सिग्नल को ये ट्रांसमिशन में काम आता है ठीक है ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रोश शुगर और अमीनो एसिड को सेल में डालने के काम आता है ठीक है पोटेशियम आइंस आर दी मोस्ट अबंडेंट द सेल फ्लूड दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ए टीपी ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ ना तुम भी मार्क करोगे ध्यान रखनी है चीज़ें ठीक है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल ठीक है ओके okay, ये वैल्यूज मेरे को नहीं लगता याद करने की जरूरत है कि पांच मिलीमोल पर लीटर एक सौ पांच मिलीमोल पर लीटर होती है या फिर पंद्रह के जी पर ट्वेंटी फोर आवर में रेस्टिंग ह्यूमन का रहता है, है तो अपन ने मोटा मोटा देख लिया अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो ही फील आएगी फील नहीं आई आज चैप्टर की क्योंकि थ्योरी ज्यादा हो गई क्वेश्चंस करते हैं अपन ने पहला सवाल कर लिया था दूसरा कर लिया था हाँ अब देखो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री अब आ जाओ क्वेश्चन करेंगे जल्दी आ जाओ ना वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन अब लाइन से सवाल करेंगे अपन इसके देखो क्वेश्चन नंबर थ्री दो एलिमेंट है ए एंड बी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है दे डोंट फॉर्म सोडियम सोलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट अरे रे 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 मुझे पता है मुझे पता है दे आर लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही जो है सोलिड दोनों ही सोलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते इज द आंसर डी इज द आंसर राइट डी इज द आंसर बिल्कुल दोस्तों आई एम योर मैटर फ्रेंड डियर है ना डी इज दंसर राइट पावर कट हो गया यूपीएस इज डूइंग पिंक पिंक हम ओके तो दिस वॉज डन ये इजी था चौथा कर लिया पांचवा देखते हैं आओ क्वेश्चन नंबर सारे हो जाएंगे अब तो क्योंकि अपन पढ़ चुके अपन सारा कर देंगे सारे सवाल हो जाएंगे हम्म क्वेश्चन नंबर फाइव एयर फॉर्म्स एक्स एक्स अपन हाइड्रोलिस विद वॉटर गिव एक्स टू ओ टू एंड ओ टू ओके तो मैंने देखा था कि जो सिर्फ ऑक्साइड है वो देता है हाइड्रोक्साइड पानी के साथ ठीक है जो परऑक्साइड है वो देता है एक्स टू ओ टू एंड हाइड्रोक्साइड पानी के साथ और जो सुपरऑक्साइड है मतलब ओ टू माइनस वाला जो है वो देता है हाइड्रोक्साइड साथ में एक्स टू ओ टू और ओ टू ठीक है बार चीज को क्योंकि ये तो काम की चीज है ये तो आप देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे 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 वो ओ एच दे रहा है जो नीचे नीचे है वो ओ OH एच और एच टू ओ टू दे रहा है जो सुपर ऑक्साइड है वो ओ एच एच टू ओ टू और ओ टू दे रहा है ये तो पूछ रहा है सवाल काम बन गया है काम बन गया है हम्म तो कौन सा है इसमें से कौन सा है तो भाई देखो वाह 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 लीथियम लिथियम और मैग्नीजियम तो एक दूसरे के भाई है लीथियम देगा नहीं तो मैग्नीजियम देगा नहीं एन जो है वो जनरली सुपरऑक्साइड बनाता नहीं आई विल गो विथ रूबीडियम राइट आई विल गो विथ रूबीडियम बोलो हम्म कोई बात नहीं हरमन आ जाओ रुबीडियम राइट तो द आंसर इज रुबीडियम क्यों डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप सुपरऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ज्यादा टेंडेंसी क्या होगी सुपरऑक्साइड बनाने की ठीक है ओके okay, आई बात समझ में क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो पोटेशियम आयन दट आर करेक्ट स्टेटमेंट अमंग वन टू थ्री विथ रेस्पेक्ट टू पोटेशियम आयन दट आर अबंड सेल्फ लुइड दे एक्टिवेट मैनी एनजाइम्स दे पार्टिसिपेट अरे अरे एनसीआर की देखो दे एक्टिवेट मैनी एनजाइम पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ए टीपी एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नो सिग्नल ऐसी की ऐसी लाइन है देखो

नाइट्राइड नाइट्राइड तो भैया सिर्फ लिथियम बनाता है लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में मैग्नीशियम बनाता है दैट्स ऑल डन तो एनसीआरटी पढ़ने में टाइम स्पेंड करा और यहां पे क्वेश्चन हवाओं में उड़ाए जा रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड ये मेरे पास सुपर ऑक्साइड है इट्स अ सुपर ठीक है ये एक सुपर ऑक्साइड है इट्स अ सुपर ठीक है अब भाई के इज अ सुपर प्लस ओ टू माइनस सीएस ओ टू जो सुपर ऑक्साइड सी एस प्लस ओ टू माइनस बी ए ओ टू एस आई ओ टू अब बी ए जो है कहां आता है बी ए बी ए आता कहें हम्म तो बी ए आता है ये यानी इसकी स्टेट है प्लस टू तो बी ए जो है ये है प्लस टू में तो यहां पर जो ओ टू है ये है ओ टू टू माइनस भैया प्लस टू में तो ये ओ टू टू माइनस है यानी जो ऑक्साइड है वो सिर्फ सिलिकन है जो ऑक्साइड है वो सिर्फ सिलिकन है हम्म हम्म जो ऑक्साइड है वो सिर्फ सिलिकन है ओनली सिलिकन है। उकसाइड ही ऑक्साइड है राइट सो ओनली सिलिकन इज दी ऑक्साइड हेयर बढ़िया सवाल आगे आ जाए हम्म

थ का बीस दिया आंसर देखो कितनी जल्दी सवाल हो रहे हैं कितनी जल्दी सवाल हो रहे हैं क्योंकि मेरे को अब याद होगी ना चीजें प्रॉपर्टीज याद कर लिया एनसीआरटी से मैंने सवाल फोड़े जा रहे हैं दो हजार सोलह तक तो पहुंच गए हैं ओके okay? हम्म hmm. इनमें से कोवलेंट कौन सा होगा वेरी सिंपल क्योंकि मैंने जानता हूं कि मैग्नीशियम जो है वो लिथियम के साथ रिलेशनशिप में है और लिथियम क्लोराइड कोवलेंट है तो एम जी सी एल टू हैज टू बी कोवलेंट एमजीसीएल टू to टू बी हम्म क्वेश्चन नंबर इलेवन अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज 5.1 देन इलेक्ट्रॉन गेन विल भी माइनस फाइव पॉइंट वन भाई जितना मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन दूंगा इसको तो उतनी एनर्जी खुद रिलीज कर देगा सिंपल ये तो हलवा हो गया है ना ओके okay. ओके okay. तो एल्कली मेटल फ्लोराइड की सोल्यूबिलिटी की बात करें अगर अपन तो क्या देखा था लिथियम फ्लोराइड इज लीस्ट सोल्यूबल बिकॉज ऑफ लेट इस एनर्जी तो तो फ्लोराइड सोल्यूबिलिटी में बी तो गया बी तो गया लीस सोल्यूबल होना चाहिए ठीक है लीस सोल्यूबल होना चाहिए ये भी गया ये दो तो गए अब दो बचे मेरे पास नाउ वी हैव टू बताओ कौन सा आंसर होगा दो मैंने हटा दी अब दो बताओ ट्वेल्थ का आंसर क्या होगा बोलो हम्म बिल्कुल हलवे सवाल है तो सीधी बात है भाई डाउन द ग्रुप जो है जो डाउन द ग्रुप है मेरी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी तो कम होगी लिथियम फ्लोराइड की तो लैटिस के कारण एक प्रॉब्लम आ गई बाकी जो सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप तो कम ही होगी ना फिर हम्म तो अगर लेटिस की बात करें तो इसकी जो लेटिस एनर्जी हो सबसे कम होगी विल गो बी डी सिंपल है ना ये तो सिंपल ऑर्डर है कुछ नया नहीं आ जाओ आगे बेस्ड ऑन एनर्जी एंड अदर कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइ मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टूर हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो अपना एल आई सी एल हम हा भाई हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो अपना लगेगा एल आईसीएल लेकिन एल आई सी एल जो वो तो कोवलेंट करेक्टर दिखा देगा एल आई सी एल तो कोवलेंट करेक्टर दिखा देगा बोलो हम्म। हिसाब से क्या होना चाहिए एल आई सी एल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन एल तो कोवलेंट करेक्टर दिखा देगा यानी एल आई सी एल नहीं वी विल गो विद NaCl. दिस वॉज ट्रिकी दिस क्वेश्चन वॉज ट्रिकी है ना ये क्वेश्चन ट्रिकी हुआ ये क्वेश्चन ट्रिकी हुआ क्योंकि एल तो कोवलेंट करेक्टर दिखा देगा तो तो हट गया पिक्चर के बाद राइट मेटल क्लोराइड पूछा आयनिक है लेकिन एल आई सी एल करेक्टर दिखाता है

तो सोडियम से भी ज्यादा हो जाएगा फिर तो रूबी सब आंसर विल बी लिथियम से ज्यादा हो जाता है सोडियम है सबसे ज्यादा कौन होगा मोस्ट विग्रसली विद वॉटर कौन रिएक्ट करेगा डाउन द ग्रुप है तो रूबीडियम कर लेगा और क्या राइट right? एल आई सी एल होना चाहिए था लेकिन एल आई सी एल जो वो कॉलेंट करेक्टर दिखा देगा राइट, ओके आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वा सोल्यूशन ओके मैक्सिमम किसकी होगी वैसे तो लीथियम सबसे छोटा इसकी होनी चाहिए लेकिन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इसकी तो नहीं हो सकती इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इसकी तो नहीं हो सकती ठीक है तो मैं कहूंगा कि लिथियम की कम होगी सोडियम से इसकी कम पोटेशियम से इसकी कम रूबीडियम से तो एक्वासोल्यूशन में मैक्सिमम मोबिलिटी रुबीडियम की हो जाएगी क्यूं? क्यों क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है लिथियम सोडियम पोटेशियम के चारों तरफ H2O के मोलिक्यूल आके चिपक जाएंगे इसका हाइड्रेशन रेडियस बढ़ जाएगा रूबिडियम रूबीडियम का वो नहीं बढ़ेगा तो रूबीडियम आयनिक मोबिलिटी बड़े टेढ़े सवाल आ रहे हैं सीधी चीज को घुमा के पूछ रहे हैं सीधी चीज को घुमा के पूछ रहे हैं लेकिन देखो लाइन से जो भी क्वेश्चन मिल रहा है ना सबका आंसर है हाइड्रेशन कहीं ना कहीं जो लग रहा है ना पॉइंट जो लग रहा है वो हाइड्रेशन का है कहीं ना कहीं जो पॉइंट सेट हो रहा है वो हाइड्रेशन का है राइट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो जब मैं मेटेलिक सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालता हूं तो डीप ब्लू कलर आएगा क्यों इट विल बी बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यही लग रहा है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और तो कौन सा ये तो है नहीं ये भी नहीं है ये तो हर कुछ ही है राइट ए इज द आंसर ए इज द आंसर डाउन द ग्रुप आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि तो हाइड्रेशन हाइड्रेशन रेडियस हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है ए जो है ठीक है ओके विल ट्राई सेवनटीन एंड एटीन तो लिथियम इज द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन टू एल आई ये भी ट्रू तो ये है जो फॉल्स है देखो पूछ तो सब कुछ एनसीआर से ही रखा है चाहे दो हजार अच्छा दो हजार उन्नीस का सवाल है क्या रिसेंटली तो सारी एनसीआरटी से आ रहे हैं राइट right? तो ये जो है नाइट्रेट जो है वो एल आई एल आई टू ओ प्लस एनओ टू में टूट जाता है ने देखा था है ना ऑक्साइड टूट नाइट्रोजन ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड में टूट जाता है ये देखा था तो ये गलत है बाकी तीनों ट्रू है तो सी इज दी आंसर ओके क्वेश्चन नंबर एटीन देखो हाइड्रेटेड सोडियम हाइड्रेटेड सोलिड एक्स ऑन हीटिंग इनिशियली गिव्स अ मोनोहाइड्रेट कंपाउंड वाई वाई अपॉन हीटिंग अबाउट दिस एनहाइड्रस हाइड्रस वाइट पाउडर सोडा एस <laughs> तो आंसर इज ये हा आंसर इज ए सोडा एस इज आंसर सोडा एस के साथ अच्छा हम राइट यही मिलेगा एटीन का है ना एटीन का ए राइट ओके दिस वाज सिंपल सीधा फ्रॉम एनसीआरटी नाइनटीन ओके okay, ये अभी आगे आएगा ये अभी नहीं आया है नाइनटीन अपन ने नहीं पढ़ा है अभी आगे आएगा आगे पढ़ेंगे अपन ये ये आगे पढ़ेंगे अपन ओके okay. हाँ ट्वेंटी एन ए टू ओ टू की क्या स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है एन ए टू ओ टू इज सुपर ऑक्साइड इज एन ए टू ओ टू सुपर ऑक्साइड एनए टू ओ टू सुपर ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड है बीसवा बाकी सारे तो भूल जाओ अरे सैन मेरे दोस्त क्या बोल रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस अनअकेडमी पे करा दू देखो डायमैग्नेटिक है यस yes, पर ऑक्साइड था डायमैग्नेटिक, ठीक है एनए टू ओ टू से एच टू ओ टू मिल जाएगा एन ए टू ओ टू से एच टू ओ टू मिलेगा एच टू ओ टू जो है वो क्रोमियम को ऑक्सीडाइज कर देगा ये सुपरऑक्साइड नहीं ये पर है ये परोक्साइड है हटाओ इसको तो नॉट करेक्ट इज डी ये आंसर है ओके okay. ओके okay, भाई फायर एक्सटिंग में इसमें से कौन सा यूज होता है फायर एक्सटिंग ट्वेंटी वन इज़ यूज़ इट्स अ परसाइड यस हम्म इट्स अ परसाइड तो फायर एक्सटिंग में क्या यूज होता है तो फायर एक्सटिंग में ये दोनों यूज होते हैं जनरल क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन है दो का है जनरल सवाल है ठीक है ओके वॉट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज दू ओ इज डिजोल्व इन वॉटर तो एन ए टू ओ को जब मैं पानी में डालूंगा हम्म एन ए टू ओ हाइड्रोक्साइड बनाएगा एन ए टू है तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा राइट right? और क्या करेगा भाई एन ए टू ओ इज लाइक एल आई टू ओ एल आई टू ओ पानी में जाएगा तो ये बनाएगा एल आई ओ एच टू आईस टू एल आई ओ एच बनाएगा जब इसको पानी में डालूंगा मैं तो तो यहां पे क्या होगा यहां पे जो मेरा ऑक्सीजन है वो है टू माइनस और उससे क्या बन रहा है ओ एच माइनस ओ एच माइनस क्योंकि इसके साथ है एच टू ओ तो यहां पे अगर मैं देखूं तो इस ओ एच माइनस के अंदर ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन है ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस तो माइनस टू से कितना हो गया हम्म हम्म ये बढ़िया सवाल है बोलो ये अच्छा क्वेश्चन है तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीजन का बढ़ नहीं रहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम सोडियम का तो बात ही नहीं हो रही ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड आयन बिल्कुल नहीं ये एक्सेप्ट तो कर नहीं रहा ऑक्साइड आइन डोनोट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ ये पॉसिबिलिटी लग रही है ये पॉसिबिलिटी लग रही है क्योंकि ओ टू माइनस ओ एच माइनस बना रहा है ठीक है ओ टू माइनस ओ एच माइनस बना रहा है यहां पे जो O2- टू माइनस है जो O2- टू माइनस है वो OH- एच माइनस बना रहा है ठीक है और एक H2O जो है इसका एक OH आ रहा है, एच माइनस आ रहा है तो इसमें से एक H ऊपर की साइड जा रहा है ऊपर की साइड जा रहा है तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो एक हाइड्रोजन को दे रहा है और उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, है ना विल गो विद ऑप्शन बी अपन ऑप्शन बी के साथ जाएंगे ठीक है ओके लिथियम नाइट्राइट नाइट्रेट को अगर मैं गर्म करूंगा तो क्या मिलेगा मे को मिलेगा ये है ना तेईस का आंसर है ए राइट right? ये मिलेगा अपने को हम्म हम्म हु? बायोलॉजी की क्लासेस भी प्रोबेबली मान के चलो मैं तुमको बता देता हूँ आज है फ्राइडे है ना तो प्रोबेबली संडे तक सारी डिटेल्स तुम्हारे को मिल जाएगी क्योंकि एक बार बायोलॉजी की क्लासेस की सारी डिटेल आ जाएगी फिर अकॉर्डिंगली हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो अलाइन करेंगे ना फिर एक साथ टाइम टेबल सारा बता देंगे तुमको ऐसा है वी आर वर्किंग ऑन दैट ऐसा ओके फाइन okay? ओके पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन स्पेस एंड सबमरी बिकॉज इट पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की खास बात क्या है हम्म hmm. ये एक यूज है अब अब ये जो यूज है 2002 का है अब 2002 से अब तक में एनसीआरटी में बड़े बदलाव आ गए तो हो सकता है कभी दिया हुआ हो अभी नहीं दिया हुआ है अपन इसको ध्यान रखेंगे ठीक है तो जो केओ टू है है ना केओ टू जो है अगर मैं इसको केओ टू जो है अगर मैं इसको यूज करूं तो ये मेरे को के ओ एच देगा प्लस एच टू ओ टू देगा प्लस ओ टू देगा ये देगा सुपर ऑक्साइड से तीन चीजें मिलती है मेरे को है ना KOH जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा यहां पर ओटू भी मिल रहा है वो ऑक्सीजन कंटेंट भी बढ़ा देगा हम्म राइट right? तो मैं कह सकता हूं कि प्रोबेबली ए कैन बी दी आंसर वी कैन से दैट प्रोबेबली ए कैन बी दी आंसर बोलो राइट right? ओके okay. सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ ओके अभी एल्कलाइन अर्थ अपन ने नहीं किया है अब यहां से सारे एल्कलाइन अर्थ आ गए हैं क्या हाँ अब एल्कलाइन अर्थ आ गए हैं ओके okay. फाइन तो अपन ने एल्लाई मेटल्स के क्वेश्चंस देख लिए हैं अब यहां पे एल्कलाइन अर्थ के आ गए हैं तो ठीक है विल स्टॉप हेयर अपन यही रुकते हैं देखो भाई डेढ़ घंटे में अपन ने एनसीआर पढ़ी और अपन एनसीआर पढ़ के चौबीस सवाल करे दो हजार दो तक के सवाल कर लिए अपन ने और अपने को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसको अपने को करने में कोई दिक्कत आई हो एन सी आर टी पढ़ी जबकि ठीक है विल डू तो मैं ये दोनों जो पी हैं दोनों पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुम बच्चों से आई विल शेयर दीस टू पीडीएफ विद यू गाइज ओके और कल अपन एल्लाई अर्थ मेटल करेंगे तो कल एस ब्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा देन विल डू पी ब्लॉक तो इनऑर्गेनिक ऐसे लाइन वाइज चलती रहेगी और कंप्लीट हो जाएगी इन द मीन वाइल तुम्हारा प्रॉपर टाइम टेबल बन जाएगा जिसमें फिजिक्स मैथ और बायोलॉजी की क्लासेस भी अलाइन हो जाएंगी एंड देन वो हम तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे और फिर एक साथ पूरे हफ्ते की क्लासेस क्रिएट होंगी जिससे तुमको पता रहेगा कि भाई इस हफ्ते क्या पढ़ाया जाने वाला है कितनी बजे कौन सी क्लास होने वाली है ये सारा हम करेंगे तुम्हारे लिए ये चालू हो जाएगा एक बार सारा जो टाइम टेबल हमारा सेट हो जाता है है ना क्योंकि होता क्या ना फैकल्टीज जो है ना वो ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ऑफलाइन तो में जैसे अभी जेई मैराथन चल रहा है तो जेई मैराथन में अभी ऑफलाइन के अंदर जैसे मैडम है तो मैडम अभी मैथ का रिवीजन करवा रही है तो ऑफलाइन के अंदर मैथ के रिवीजन कराते कराते मैम ने करा दिए तकरीबन ऐसे 1300-1400 सवाल करवा दिए क्लास में मैराथन सेशंस में तो ऑफलाइन में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी बच्चों के साथ जेई के बच्चों के साथ क्योंकि अभी भाई कोई बात है ना तुम्हारा भी है उन बच्चों का भी है तो इससे थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वही एक स्किड्यूलिंग करी जा रही है ऐसा है ठीक है तो कोशिश करेंगे कि दो दिन के अंदर अंदर सारा मैटर रिजोल्व हो जाए फिर पूरे हफ्ते भर हफ्ते की क्लासेस बनाई जाएगी जिससे कि तुमको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी क्लास कब होने वाली है ऐसा रहेगा है ना राइट right? ओके okay? नहीं अगर मैंने अभी क्लास एक्सटेंड करी ना तो फिर मेरे को फिर से दवाई लेनी पड़ेगी और फिर फिर दवाई लेनी पड़ी तो फिर मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँगा इसलिए अपन आज रुक जाते हैं यहाँ पे है ना नहीं तो एल्कलाई अर्थ मेटल में भी एक घंटा लगेगा क्वेश्चन हैं अपने पास कंटेंट है अपने पास पूरा कर देंगे लेकिन फिर प्रॉब्लम है गले की और बोलने का काम है गड़बड़ हो जाएगी है ना है, ना? है. सौरभ रह बोल रहे एटॉमिक स्ट्रक्चर सब करेंगे दोस्त सब करेंगे है ना एक बार इनऑर्गेनिक पूरी कर दें फिर फिजिकल करेंगे ऑर्गेनिक तुमको मैम कराएगी ऑर्गेनिक में स्पीड तेज रहेगी क्योंकि मैम ने हैंड रिटर्न नोट्स ले रखे हैं मैं तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं मैम के हैंड रिटर्न नोट्स हैं तो वो और जल्दी करवा पाएगी मैम अपन ये लेके चल रहे देखो केमिस्ट्री में हमको अच्छे से फॉलो करो केमिस्ट्री में सौ में से कम, से कम से कम सत्तर से पिछहत्तर नंबर लाने चाहिए मेन में कम से कम केमिस्ट्री में कम से कम सत्तर से पिचहत्तर नंबर लाने हैं हमको फॉलो करना है बस तुमको जो क्लासेज चल रही है क्लासेज एंड तक आखिरी दिन तक इन क्लासेज को फॉलो करो केमिस्ट्री में हर हाल में कम से कम पिचहत्तर सत्तर नंबर आएंगे तुम्हारे कम से कम बस याद कर लेना सब कुछ यू विल बी गुड टू गो मजा आ जाएगा तुमको ओके तो अपन यही रुकते हैं दोस्तों अगर मेरे को थोड़ा ठीक लगा मैंने अभी तक आज शाम की क्लास बनाई नहीं है अगर तो तो थोड़ा ठीक लगा तो शाम की क्लास बनाऊंगा नहीं लगा तो मैसेज डाल दूंगा या फिर कोई रिकॉर्डेड छोटा सा वीडियो डाल दूंगा दस मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा कोई बढ़िया सा इंफॉर्मेशन वाला है ना कोई वहां बातें कर दूंगा तुम्हारे तो साथ उस वीडियो के थ्रू अगर क्लास नहीं कर पाया तो और नहीं तो क्लास क्रिएट कर दूंगा बस इस पर डिपेंड करता है कि ये कितना दुखता है ठीक है ओके ओके दैट इज ऑल दोस्तों बाय जय हिंद शेयर करो यार है ना ये जो लाइव वॉचिंग जो है चलो अभी तो अपने बच्चे ही कम है तकरीबन सत्रह सौ बच्चे हैं इस चैनल पे सत्रह सौ को भी बढ़वाओ मेरे को पता है तुम सब अगर इसको शेयर करना चालू करोगे अपने सर्कल्स में तो जैसे अपना मेन निम्बस चैनल है वो भी तो तुम बच्चों ने शेयर कर करके उसको बड़ा बना दिया आज इतना बड़ा बना दिया उसको नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स थाउजेंड सब्सक्राइबर्स वाला तो यू कैन डू दिस थिंग विद जय नीड ऑल्सो है ना इसको भी तुम उतना बड़ा कर सकते हो इस पर भी अपन लाइव वॉचिंग कर सकते हैं आराम से दो सौ ढाई सौ आराम से हो जाएगा बट अपने सर्कल में बताओ बताओ उनको तुमको अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो यू शुड टेल दैम ऑल्सो किस तुम्हारी ही मदद से हो पाएगा नहीं तो ये नहीं हो सकता इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट योर लव एंड सपोर्ट ठीक है दोस्तों चलो मिलते हैं अगर गला ठीक रहा तो रात की सेशन होगा नहीं तो फिर अपन कल मिलेंगे दो बजे ठीक है बाई